अभी तक नौकरी पे नहीं रखे, 60 डेज में इनको करना था। नौकरी पे रखेंगे नहीं रखे? नहीं कुछ नहीं, ना नौकरी पे कुछ भी नहीं। आप समझ गए आपकी गलती क्या है, आपने डिसमिस किया था, आप रीइंस्टेट करेंगे, पूरा बैक पेजेस देंगे, उसके बाद इनकी सेवाएं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे देंगे। वो देगा पैसा इंप्लॉय आपका, आप डिसमिस करो पैसा ये देगा? ये कहां से का नियम बता रहा है आपके सेक्रेटरी साहब? कौन है भाई सेक्रेटरी साहब? बाबेश्वर और रजू राजू जो भी हैं उनको समझा बता दीजिएगा कि ये नहीं चलेगा। नाउ वेयर द ओरिजिनल ऑर्डर इन WPS नंबर WP 75/2006 वो क्या था ऑर्डर? नहीं क्या, दो राउंड का लिटिगेशन था। पहले एक बार इनका जब 2006 में जब इनकी नियुक्ति निरस्त हुई तो रिट पिटीशन लगी, रिट पिटीशन अलाउ हो गई, उसमें एक MCC फाइल हुई। यस दैट इज 75/2000। हाँ MCC में ऑर्डर हुआ कि आप सबको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने के बाद इसमें इंक्वायरी करके प्रॉपर ऑर्डर ठीक है। तो उस MCC के बाद जो मॉडिफाई ऑर्डर हुआ था उसमें हमको नहीं बुलाया गया और बिहाइंड माई बैक ये ऑर्डर हो गया 2009 का। तो सिंगल हॉनरेबल सिंगल बेंच ने वो ऑर्डर को क्वेश्चन करते हुए मेरे को रीइंस्टेट कर दिया। ये दैट वर्ड ऑर्डर वाज पास, ये जो आप इन कंटेंप्ट में देखेंगे। पेज नंबर 14 पे ऑपरेटिव पार्ट। यस अलाउड। यस देन द नगर पंचायत श्री खदान प्रॉपर्टी रेट ऑफ पे। इन द मीन टाइम द ऑर्डर ऑफ द हॉनरेबल सिंगल बेंच वॉज स्टेट बाय द डिविजन बेंच। By the division bill, division bill dismiss the writ appeal, which is at page number 8. Yes, the state has to comply. And the specific direction is there by the division bench that the state government is directed to comply with the order of NCG. Kab ka order hai? It was passed on 16-10-2023. अभी तक नौकरी पे नहीं रखे? 60 डेज में इनको करना था। नौकरी पे रखेंगे नहीं रखेंगे? नहीं कुछ नहीं, ना नौकरी पे कुछ भी नहीं। कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा ये? ये अर्बन। अर्बन अभी चूंकि ये रियलाइज अर्बन का कोई है क्या यहाँ पे? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यस आई आई आए ना। और एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों इन्वॉल्व है, दोनों को कॉम्बिनेशन में करना पड़ेगा और दोनों को बनाया हुआ, दोनों के सेक्रेटरी। यस दो लेटर हैं मेरे पास जो कम्युनिकेट हुए हैं। जब मैंने CMO को दिया तो CMO ने सेक्रेटरी अवर सेक्रेटरी अर्बन डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया। जब मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को दिया, क्या इंस्ट्रक्शन है आपके? क्या इंस्ट्रक्शन है सर? नमस्कार सर। हाँ सर, इसमें सर हमारे सेक्रेटरी सर ऑर्डर वाला सर की वो उनका वापस नौकरी और उनका जो वेतन नुकसान बकाया आप समझ गए आपकी गलती क्या है, आपने डिसमिस किया था, आप रीइंस्टेट करेंगे, पूरा बैक पेजेस देंगे, उसके बाद इनकी सेवाएं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे देंगे। इतनी सी काम करना बाकी आपको, वो कुछ नहीं करेगा। स्कूल एजुकेशन क्यों देगा पैसा इंप्लॉय आपका? आप डिसमिस करो पैसा ये देगा? ये कहां से का नियम बता रहा है आपके सेक्रेटरी साहब? कौन है भाई सेक्रेटरी साहब? बाबेश्वर और रजू राजू जो भी हैं उनको समझा बता दीजिएगा कि ये नहीं चलेगा। हम इसमें ऑर्डर कर दें कंटेंप्ट में उनको, फिर तो सीधा से चार्ज फ्रेम कर जाएगा उनका। कैसे करेंगे आप बताइए? कंटे में चार्ज लगवा देंगे उनका, फिर इश्यू नोटिस करके। सीधी सी बात है भाई, इतने बड़े सीनियर ऑफिसर को ये चीज समझ में नहीं आती है। बता दीजिए, हम इसको सोमवार को लगवा रहे हैं फ्रेश मैटर में। हाँ हम इसमें ऑर्डर कर देते हैं, इस ऑर्डर की कॉपी भी आपको लिखवा देते हैं, आप उनको दिखा दीजिएगा। लिखो भाई, this the petitioner is suffering is challenging his termination since 2002 and more than 22 years have been left. Still it has, he has been not reinstated on the
ऑन द रेड टेपिज्म सिस्टम, रेड टेपिज्म एडॉप्टेड बाय द ब्यूरोक्रेट्स बाय द डिपो बाय द स्टेट ऑफिसर्स फुल स्टॉप. द पिटिशनर हु वाज इनिशियली वर्किंग इन द म्युनिसिपल काउंसिल छुई खदान ना, यस सर, नगर पंचायत, नगर पंचायत छुई खदान. सब्सिक्वेंटली हिज टर्मिनेशन वाज पास्ड बाय द बाय द बाय द म्युनिसिपल दिस छुई खदान को देख लेना क्या है. एंड देयर आफ्टर ही हैज चैलेंज्ड दिस पिटिशन एंड दिस कोर्ट इन डब्ल्यू पी नंबर 2/2002 हैज पास सर्टेन डायरेक्शन. देयर आफ्टर MCC was filed wherein it has been stated that the answer and thereafter the subsequently the state thereafter MCC was passed wherein the this court has directed for giving opportunity of hearing to all the parties, right? Yes sir, and before passing order, passing of the order. And thereafter the termination order was passed by the subsequently the respondent has considered the case and has again issued a termination 7/2/2009. That order was challenged before the honorable before this court, wherein this court has quashed the order of termination passed by the state government and directed the reinstatement with continuity of service and back wages. 21/11/2019. Thereafter, the Chui Kadan Panchayat jo bhi hai, has preferred a writ appeal, which was dismissed by the state government by this division bench of this court. And this court has passed. The division bench of this court has directed the state government to comply with the order within 16 days. He still not complies and will be made on the count that the since he was an employee of the Chui Kadan. Therefore, and the school is the entire department has been shifted to school education. Therefore, urban and town planning department has nothing to do. Probably the respondent is not aware of the facts that he has been employee of the municipal urban department. It is incumbent upon them to reinstate him and they pay the consequential benefits thereafter post him. Thereafter, his services have to be transferred in the school education department. Let this court can issue initiate the contempt proceeding for non compliance. नहीं छोड़ो हम इतना पर्याप्त था आपके नेक्स्ट वीक में इसमें है इतना हम आप डायरेक्शन दे दिए आप सेक्रेटरी साहब को समझ में आ जाएगा और कंप्लायंस हो जाएगा मंडे की जगह इनका कहना है कि थर्सडे फ्राइडे का हो जाए. ऑलराइट पर्याप्त होगी इसको आपको हम दे रहे हैं 10 दिन 10 12 तारीख को 12 तारीख को आप कंप्लायंस करवा दीजिएगा. आप ऑर्डर की कॉपी उनको समझा दीजिएगा तो प्रॉबली ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द लीगल टर्मिनोलॉजी ऑफ बट इट हैज बीन मोर देन 10 मंथ प्रॉब्लम इज दिस व्हाई द कंटेंप्ट प्रोसीडिंग इज पेंडिंग फॉर लास्ट सो मेनी मंथ इन दिस कोर्ट. वी हैव टू सी आवर सिस्टम आल्सो ना.